हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है तो पार्ट टू हिंदी में हम यहां से क्वेश्चन तेरह से आगे दिखाएंगे है ना जो आप लोगों ने नहीं किया है और कई बच्चों कमेंट रहेगा कि सर पार्ट वन भी दीजिए तो इसके लास्ट में मैं उसे भी दिखा दूंगा तो पार्ट वन का आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लेना लास्ट तक बने रहो आपको पार्ट वन के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ये आपका पार्ट जो टू है आपको वीडियो में क्वेश्चन नंबर तेरा है देख सकते हैं नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा है तो आप लोगों को स्क्रीन के लिए समय देता हूं आप लोग स्क्रीन कर लिया करो ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक सोलह देखें प्रश्न क्रमांक सोलह है थोड़ा सा देखिए काफी लंबा है इस कारण से आप लोगों को अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये आपको स्क्रीन लेने का समय दे रहा हूं ये लीजिए पूरा स्क्रीन ले लो भैया है ना पहले ऊपर का दे रहा हूं ये लो प्रश्न क्रमांक सोलह यहां से स्क्रीन ले लो पूरा स्क्रीन शॉट ले लेंगे आपको पूरा बात समझ में आएगा ठीक है चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सोलह का आगे बढ़ा देता हूँ तो ये पूरे प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास के और इसके जो भी भावपक्ष कलापक्ष हैं साहित्य में स्थान हैं तो पूरे पॉइंट कंप्लीट हैं पूरे पॉइंट आप अच्छे से लिख लो नोट डाउन कर लो ओके चलिए आगे देखें तो ये क्वेश्चन हम आप लोग कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखो सत्रह ठीक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं भाषा शैली लिखना है स्क्रीन ले लो फटाफट ठीक है क्वेश्चन नंबर सत्रह इसके बाद साहित्य में स्थान ये साहित्य में स्थान आपको लिखना है तो साहित्य में स्थान कर दीजिए कंप्लीट ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हो गया क्वेश्चन नंबर सत्रह हजार प्रसाद द्विवेदी की दो रचनाएं शैली साहित्य में स्थान कंप्लीटली चलिए तो अगला देखते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लिया ले, ले लिया करो आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन नंबर अठारह संदर्भ प्रसंग दे के रखा है व्याख्या करना है ठीक है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यहां पर देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्वेश्चन नंबर अठारह का उत्तर देख लो भैया फटाफट आप लोग इस स्क्रीन शॉट ले लो दस से बीस सेकंड दे देता हूं आपको ताकि आप लोग इस स्क्रीन शॉट ले लो और अच्छे से कर लो ठीक चलिए यहां पर विशेष भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो अब क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखो क्वेश्चन नंबर उन्नीस संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्वेश्चन नंबर उन्नीस का उत्तर है संदर्भ प्रसंग व्याख्या फटाफट आप कर लेना बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था इसलिए जल्दबाजी में करना पड़ता है और सारे वीडियो का सॉरी सॉरी सारे क्वेश्चन का एक साथ वीडियो सोल्यूशन नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ प्लीज़ जितना है उतना करिए सर ताकि हम लोग पेपर दे सके कुछ लोगों का पेपर है ना स्कूल पे हो रहा तो उन लोगों की सहूलियत होती है अगला क्वेश्चन नंबर 21 है ये आपका आवेदन पत्र है साला शुल्क मुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र है तो श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय है ना जो भी ले सकते हैं आप और विषय आप लिख लीजिए इसके बाद आप यहाँ पर महोदय लिख करके पूरा आज्ञाकारी यहाँ पर जो भी आप लिख सकते हैं ना यहाँ पर नाम आप जो भी लिख सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नाम यहाँ पे लिखा वही नाम लिखें आप जो भी आपका आज्ञाकारी यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं ठीक है रोनू सोनू दीपक हिमांशु कुछ भी नाम लिख सकते हैं ठीक है तो ये किसी दूसरे का ही नाम रहता है कभी कोई अपना नाम तो लिखता नहीं है इसलिए आप लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं है कम्पलसरी है आप लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं आशा और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ठीक है स्क्रीन ले लिया करो कोई दिक्कत नहीं तो क्वेश्चन नंबर बीस देखिए इसमें गद्यांश देके रखा था शीर्षक लिखना था सारांश और फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि मनुष्य किस कि लिए श्रेष्ठ माना जाता है तो उसके कर्म बल के कारण मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है तो ये प्रश्न क्रमांक बीस का उत्तर है शीर्षक आपको लिखना है मनुष्य का जीवन है ना मनुष्य के जीवन के बारे में वर्णन किया गया था फिर सारांश लिखना है इसके बाद आपको कर्म बल की श्रेष्ठ क्यों माना गया ये चीज लिखना ठीक है तो ये हो गया आपका आज का और इसके बाद जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं ऐड कर दूंगा तो आप लोग चलिए बने रहिए कंटिन्यू रहिए आपको आगे का भी पूरा आपको जो भी क्वेश्चन पार्ट वन में कराया था वो भी आपको यहाँ पर करा दे रहा हूँ ठीक है तो बने रहिए और देखिए आगे